आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कुछ फेमस आर्म रेसलर्स वो क्या कहते हैं स्टेरॉइड के बारे में, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये आर्म रेसलर स्टेरॉइड साइकिल पे नहीं होगा। इसके बाद दूसरी साइकिल्स में ज्यादातर प्रोफेशनल आर्म रेसलर्स जिस कंपाउंड को प्रेफर करते हैं वो है वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेन्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जानना तो हर कोई चाहता है लेकिन बात कोई करना नहीं चाहता इसके बारे में, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। उनमें से कुछ का नाम हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले दर्शन राठौड़, इसके बाद आयुष, समीर रंजन और सत्यवान सिंह। तो इन लोगों को स्टेरॉइड्स का सत्य जानना है आर्म रेसलिंग के अंदर। तो आपकी डिमांड पर फिर से वही वीडियो हम लेकर आएंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सा कंपाउंड आर्म रेसलर्स ले रहे हैं, कौन सा कंपाउंड सबसे अच्छा है और कौन से कंपाउंड से आर्म रेसलिंग पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हम बात करेंगे कुछ फेमस आर्म रेसलर्स के बारे में भी कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या ओपिनियन है स्टेरॉइड साइकिल के ऊपर। तो फुल चीज कवर करेंगे हम इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेन्स। नहीं भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे देते हैं कि वीडियो के खत्म होते होते आप बिल्कुल नेचुरल रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए और आपको एजुकेट करने के लिए, ना कि किसी चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं और ना ही ये बता रहे हैं कि आपको ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले स्टेरॉइड्स इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बॉडी बिल्डर की इमेज आती है जिसका मसल्स काफी ज्यादा बड़ा हो, खासकर मिस्टर ओलंपिया जैसे एथलीट्स के बारे में। लेकिन एक काफी बड़ा सच आज के टाइम में ये भी हो चुका है कि स्टेरॉइड्स सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में लिमिटेड नहीं है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा स्पोर्ट्स होगा जिसमें आज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज नहीं हो रहे होंगे। चाहे वो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कोई भी स्पोर्ट्स क्यों ना हो, हर जगह एनाबॉलिक स्टेरॉइड आजकल यूज हो ही रहा है। तो आर्म रेसलर्स कैसे इसके पीछे रह सकते? अगर आप सिर्फ पिछले कुछ सालों में आर्म रेसलर्स की फिजिक को ही देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना ज्यादा चेंज हो चुका है ये पिछले कुछ सालों में। और ऐसा तो नहीं है कि पहले के आर्म रेसलर्स ट्रेनिंग या अच्छी डाइट नहीं लेते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ अब ये इतना चेंज हो गए हैं। और आजकल के आर्म रेसलर्स IFBB प्रो बॉडी बिल्डर से कम नहीं लगते हैं। अगर ये खुद भी कम्पीट करेंगे तो हो सके किसी न किसी डिवीजन में फर्स्ट आ जाए। और सिर्फ देखने में ही नहीं, इनकी स्ट्रेंथ भी अब अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। डेनिस सिप्लिंकोव, लेवान, अब तो डेवॉन लैरे टर्मिस, हर कोई ऐसे ऐसे लिफ्ट पोस्ट करने लगा सोशल मीडिया पर कि आप देखकर बिल्कुल शॉक हो जाएंगे कि क्या हुआ ऐसा पिछले कुछ सालों में कि इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। डाइट और ट्रेनिंग तो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट दिखा रहा है वो है स्टेरॉइड। और आने वाली जनरेशन और हाल के दिनों में आपने भी देखा होगा कि आर्म रेसलिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है स्पेशली इंडिया में, और हर छोटे से छोटा बच्चा भी चाह रहा है आर्म रेसलर बनना और उनकी तरह कम्पीट करना। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन है स्टेरॉइड्स का, और लोग को पता नहीं कि वो अपने बॉडी में क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, बस किसी ने कुछ नसीहत दी और उसने वो चीज़ ले ली। तो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि क्या सही है क्या गलत। अगर बॉडी बिल्डिंग में भी इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन और लोगों का अवेयरनेस कम है स्टेरॉइड्स को लेकर, तो फिर आप सोच नहीं सकते हैं कि आर्म रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में जहाँ भी ये चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हुई है वहाँ कितना ज़्यादा लोग अनअवेयर होंगे इन चीज़ों को लेकर। और ज़्यादातर लोकल लेवल पर तो ऐसा होता है कि नॉर्मल जिम ट्रेनर्स रिकमेंड कर देते हैं कोई भी स्टेरॉइड्स जो उनके पास अवेलेबल होता है इनको यूज़ करने के लिए, ऐसा बोल कर कि ये आर्म रेसलिंग में उनको फ़ायदा करेगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कुछ फेमस आर्म रेसलर्स वो क्या कहते हैं स्टेरॉइड के बारे में, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये आर्म रेसलर स्टेरॉइड साइकिल पे नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपका वहम है, क्योंकि बड़े से बड़ा आर्म रेसलर भी स्टेरॉइड के बारे में कभी ना कभी कोई ना कोई बात जरूर किया है। अगर स्टेरॉइड की बात करनी होगी तो सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम जो आर्म रेसलिंग में है डेनिस सिप्लिंकोव, उनकी बात हम सबसे पहले करेंगे। डेनिस सिप्लिंकोव शायद पहले एथलीट थे जिन्होंने इतना ज्यादा मसल मास शो किया आर्म रेसलिंग के अंदर। इनके लिफ्ट भी बिल्कुल अलग लेवल पर थे, लेकिन डेनिस की सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्होंने बिल्कुल ओपनली एडमिट कर दिया था कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं। डेनिस ने एक इंटरव्यू में ये तक बता दिया था जब ये सिर्फ अपने 20s में था और इन्हें अपनी पहली जॉब मिल गई थी और ये फाइनली जब एनाबॉलिक्स अफोर्ड कर सकते थे तब से ही इन्होंने एनाबॉलिक्स स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना। कहे बड़ी महंगा है भैया, क्या होता है। डेनिस अपने कुछ स्टेरॉइड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और ट्रेनबोलोन। ये अकेले ऐसे आर्म रेसलर थे जो बिल्कुल बॉडी बिल्डर्स की तरह ना सिर्फ ट्रेन करते थे बल्कि इनकी डाइट और इनका सप्लीमेंट स्टैक सब कुछ बिल्कुल बॉडी बिल्डर्स के जैसा था। और अगला सबसे फेमस नाम है डेवॉन लैरेट। देखने में तो आपको नहीं लगता होगा कि ये स्टेरॉइड यूज़ किया भी होगा इन्होंने कभी, लेकिन अपने 40s और 50s में भी ये आराम से 30 पाउंड का वेट गेन कर लेते हैं जो कि नेचुरल पॉसिबल कभी भी नहीं है। यहाँ तक कि डेवॉन ने इंटरव्यूज़ में यह भी कह दिया है कि इस लेवल पर आपको इन चीज़ों को यूज़ करना अलाउड है, इसलिए एथलीट्स यूज़ करते हैं और वो भी यूज़ कर चुके हैं। इन्होंने सरकास्टिक टोन में ये तक कह दिया था कि अगर किसी आर्म रेसलर का सर बड़ा हो जाए कुछ सालों में तो उसके साथ कभी गलती से हुक में नहीं जाना चाहिए। Are you taking some drugs? Yeah, a lot. Okay. I mean, you've been growing. Like in arm wrestling, like people talk about their arms getting bigger. Man, when you're
head gets bigger, like you better not go on the hook with that guy. और एक काफी बड़ा नाम जॉन ब्रिजिंग, जिनको अभी भी कई लोग सोचते हैं कि ये नेचुरल है। तो जॉन ब्रिजिंग ने भी एक इंटरव्यू में ये बता दिया था कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक अपने करियर में नेचुरली कम्पीट करते थे, लेकिन अपनी 40s में आने के बाद इन्हें मजबूरी में एनाबॉलिक्स यूज करना पड़ा अपने कंपटीशन के साथ मैच करने के लिए। Okay, John, please be honest. Have you ever used steroids? I currently am on steroids, yes. I never knew what steroids were, didn't have a clue or a care if anybody used them for pretty much most of my life until my early 40s. I realized that things were going wrong with my body to maintain any type of muscle mass, so I do supplement with testosterone. तो जॉन ब्रिजिंग भी एक टाइम पर आकर एनाबॉलिक्स यूज कर चुके हैं। हालांकि जॉन ब्रिजिंग सबसे पहले ये कहते हैं कि आर्म रेसलिंग में एक्सेल करने के लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क आपको आपके बोन स्ट्रक्चर, टेंडन्स और लिगामेंट्स में चाहिए, वो आपको नेचुरली आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करने से ही मिलेगी, ना कि किसी एनाबॉलिक्स के यूज से। और आखिरकार जॉन ब्रिजिंग ये भी कह देते हैं कि अगर कोई एथलीट 100 पाउंड तक गेन कर लेता है तो फिर आप सोचिए कि ऐसा नेचुरल पॉसिबल है भी या नहीं। तो आप भी यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि जॉन ब्रिजिंग किसको कॉल आउट कर रहे थे जो 100-100 पाउंड वेट गेन कर ले रहे हैं आसानी से। और आरटीओ मोरोजोव ये भी एक काफी फेमस आर्म रेसलर हैं। आप खुद सुन सकते हैं कि इस पॉडकास्ट में ये क्या कह रहे हैं। बुलशिट पका लूं तो बुलशिट ना देरू। Nice, nice. I like it. और ये इस वीडियो में कह रहे थे कि आर्म रेसलिंग बस अब इसी चीज का गेम बन गया है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेरॉइड लेता है और कौन सबसे अच्छा स्टेरॉइड लेता है बिना ज्यादा साइड इफेक्ट गेन किए हुए। और सबसे पॉपुलर नाम जो आर्म रेसलिंग के अंदर हैं वो लेवान, लेकिन उनके बारे में कहना ही क्या, आप सभी जानते होंगे उनके बारे में। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है हमारे चैनल पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कौन सा कंपाउंड आर्म रेसलिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डिंग में कारगर है वो ज़रूरी नहीं है कि आर्म रेसलिंग में भी आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि आर्म रेसलिंग एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट है। इसमें आपको शुरू में काफ़ी एक्सप्लोजिव पावर चाहिए स्टार्टिंग के 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन उसके बाद जस्ट आप ट्रांजिशन कर सकते हैं एक लंबे एंड्योरेंस वाले मैच में। तो कुछ स्टेरॉइड्स आपको एक्सप्लोजिव पावर दे सकते हैं, लेकिन वो आपके एंड्योरेंस को हैम्पर कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी सोच समझ कर अपने कंपाउंड्स का सिलेक्शन करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ है टेस्टोस्टेरोन बेस। बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लोकल मार्केट में डायनाबॉल और ओरल कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इनको लेना भी काफ़ी ईजी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और ले लेते हैं। और कुछ लोग को इंजेक्शन में कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो लोग टेस्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स क्यों ना हो। टेस्ट बेस कंपाउंड हर बड़ा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या कोई बड़ा एथलीट हमेशा रिकमेंड करेगा पहली साइकिल में, क्योंकि जब भी आप कोई फॉरेन एनाबॉलिक्स अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपकी बॉडी आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद कर देती है। यहाँ पर आपको बाहर से एक टेस्ट बेस सप्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी अब अगर हम बात करें कौन सा टेस्ट का ईस्टर, जैसे कि इनैंथेट, सिप्योनेट और प्रोपियोनेट, इसमें एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि जो लॉन्गर ईस्टर्स होते हैं उससे आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि जो शॉर्टर ईस्टर्स होते हैं जैसे कि प्रोपियोनेट, इसमें वाटर रिटेंशन का चांस कम होता है। और आर्म रेसलिंग स्पोर्ट्स में आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बॉडी में ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो, क्योंकि इससे आपके एंड्योरेंस पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो शॉर्टर ईस्टर्स ज़्यादा सूटेबल होते हैं आर्म रेसलर्स के लिए, क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन काफ़ी कम होता है। वाटर रिटेंशन से लेकिन आर्म रेसलर्स को क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है किसी कंपाउंड को लेकर, तो जब आप किसी ऐसे मैच में चले जाते हैं जहाँ पर दोनों बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं एक पोजीशन में और काफ़ी ज़्यादा एंड्योरेंस चाहिए होता है, ऐसे केस में वाटर रिटेंशन के चलते आपके मसल्स में नाइट्रोजन, सोडियम और वाटर ये सारे एक्यूमुलेट करने लगते हैं आपके मसल्स के अंदर, जिससे आपके मसल्स में एक पंप आ जाता है। और पंप के आने के बाद आप ज़्यादा देर तक किसी भी पोजीशन में होल्ड नहीं कर पाइएगा और आपका एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और आपके मैच हारने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आर्म रेसलर्स को ये रिकमेंडेड होता है कि वो ड्राई कंपाउंड्स का यूज़ करें जिसमें वाटर रिटेंशन बिल्कुल ना के बराबर हो। आइए अब हम जान लेते हैं इसकी डोजेस क्या होनी चाहिए। तो 200-250 mg पर वीक काफ़ी अच्छा डोज रहता है स्टार्टिंग में इसको अगर आप स्टार्ट करते हैं तो। हालांकि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे और कोरा पे अगर कुछ आंसर्स पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर 500 से नीचे कोई बात ही नहीं करेगा। तो सबसे अच्छा आपके लिए यही होगा कि आप सबसे कम से स्टार्ट करें, जैसा कि हर प्रोफेशनल लोग बोलते हैं कि स्टार्ट करें हमेशा कम से, उसके बाद अपनी डोज बढ़ाएं अपने रिजल्ट को देखने के बाद। और इसमें भी आपको 200-250 mg को वीक में 2-3 बार स्प्लिट करना चाहिए। इससे आपको एक फायदा होगा कि आपके बॉडी में एक स्टेबल लेवल मेंटेन रहेगा टेस्टोस्टेरोन का। इसके बाद दूसरी साइकिल्स में ज़्यादातर प्रोफेशनल आर्म रेसलर्स जिस कंपाउंड को प्रीफर करते हैं वो है EQ, इक्विपोइज, या फिर आप इसे बोल्डेनॉन के भी नाम से जानते होंगे।
ये भी एक लॉन्ग ईस्टर है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। इसमें भी वाटर रिटेंशन का चांस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जो कि आम रेस्लिंग में फिर से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपके बॉडी में RBC काउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपके अंदर एक्सप्लोजिव पावर काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। और इस दूसरी साइकिल में भी आपका बेस टेस्टोस्टेरोन ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम ओरल कंपाउंड्स की बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट कंपाउंड एनावर है, क्योंकि ये भी एक काफ़ी ज़्यादा ड्राई कंपाउंड है। इसमें भी वाटर रिटेंशन काफ़ी कम होता है। इसके अलावा एनावर का एक फ़ायदा और ये भी है, इससे आपका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एड्रेनर्जिक सिग्नल्स को ये इंप्रूव करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा एक और ओरल कंपाउंड आपको हम बता देते हैं, वो है एनाड्रॉल। ये रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे आम रेसलर्स इसको मैच के पहले लेते हैं। लगता है इनसे सडन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर जाता है, इसलिए मैच के जस्ट पहले ये इस चीज़ को लेते हैं। कुछ आम रेसलर्स ये भी क्लेम करते हैं कि इससे इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है, क्योंकि शायद एनाड्रॉल में भी एड्रेनर्जिक सिग्नल्स इंप्रूव करने के कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं। तो ये था प्रोफेशनल का तरीका। आपने अक्सर लोकल जिम में देखा होगा कि डेका ले लो या फिर डीबॉल, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में फेमस है, कोई भी चिपका जाता है, किसी एज वाले लड़के को भी। लेकिन अगर आपको इस प्रोफेशन में जाना ही है, तो आप एक एज का ख्याल रखें। जब तक आप नेचुरली एक अच्छे लेवल पे नहीं चले जाएं, इसके बारे में आप सोचे भी नहीं, क्योंकि इसके रिजल्ट काफ़ी बुरे भी हो सकते हैं। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जॉन ब्रिजिंग ने कहा था कि अगर आप एनाबॉलिक्स यूज़ करके सोच रहे हैं कि आपको आर्म रेसलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप एनाबॉलिक्स यूज़ करेंगे, और मान लीजिए कि अभी आपकी कैटेगरी है 60-65, तो आपका स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपका मसल मास भी बढ़ जाएगा, और आपको अपनी नीची कैटेगरी से एक अपर कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, जहां पहले ही से ही आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तो एक तरह से आपको काफ़ी कम एडवांटेज मिलेगा। इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है सुपर हैवी वेट्स में, जहां वेट का कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। आप जितना वेट चाहें पुट कर सकते हैं, और उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आप गेन करते जाएँ। और इसमें एक और बहुत ज़रूरी बात है, वो है PCT, पोस्ट साइकिल थेरेपी। ये अक्सर एनाबॉलिक्स लेने के बाद की जाती है, ताकि आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन वापस से स्टार्ट हो जाए। और ये अक्सर बॉडी बिल्डर्स को करते हुए देखा गया है, क्योंकि उनको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होती है। लेकिन बहुत सारे आम रेसलर्स वो PCT के बारे में क्या ही जानेंगे, आप तो सोच भी नहीं सकते हैं, तो उनको तो आप भूल ही जाइए। इसलिए आप PCT को भी ज़रूर रिसर्च कीजिए, और उसके बारे में जानिए एक्चुअल में होता क्या है। और उसके बाद ही इस रूट में अगर आप जाना भी चाहते हैं, तो बिल्कुल सेफ तरीके से जाएं। तो ये थी डिटेल वीडियो स्टेरॉइड के ऊपर और आम रेसलिंग की दुनिया का एक काला सच। हम किसी तरह के कोई भी कंपाउंड को प्रमोट नहीं कर रहे, ना ही कह रहे कि आपको ये लेना चाहिए अगर आप आम रेसलिंग में जा रहे हैं, तो ना ही हम क्लेम कर रहे हैं कि हम कोई एक्सपर्ट है। हमने भी रिसर्च की है अपनी तरफ से जितनी हो सकती है, और इंटरनेट पर जो भी रिसर्च मिली, वैलिड रिसर्च जिसको सारे लोग मानते हैं, उन चीज़ों में से निकाल के इस वीडियो को बनाया है। आप इसको जस्ट एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लें। हमारी एडवाइस तो हमेशा से एक ही रहेगी कि आप नेचुरल रहें और स्पोर्ट को एंजॉय करें। और भी अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी है, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर कोई और भी टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हमारी ऑडियंस ही है तो हम हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि हम इस मंथ में 1000 सब्सक्राइबर का एम कर रहे हैं, उसके काफ़ी क्लोज आ चुके हैं हम, तो थोड़ी सी और एफर्ट की जरूरत है आपकी, ताकि हम उस अचीवमेंट को पा लें। तो कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।